देखो बच्चों, जैसे मान लो हम ये क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रल 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स, है ना, एज ए लिमिट ऑफ सम। मान लो हमें ये क्वेश्चन ऐसे करना है, एज ए लिमिट ऑफ सम, ठीक है। देखो क्या होगा, अब साइन का क्वेश्चन हमें करना है एज ए लिमिट ऑफ सम, है ना, तो वही फार्मूला फिर से हमको लगाना है। देखो ए बराबर हो गया 0 और बी बराबर क्या हो गया π/2। लोअर लिमिट मतलब ए 0, अपर लिमिट मतलब बी π/2। देखो यहाँ पर ध्यान दो, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है साइन एक्स, तो एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ 0, तो साइन 0 मतलब 0, एफ ऑफ ए प्लस एच, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो एफ ऑफ एच, यानी कि देखो ये हो गया साइन एच, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्या आएगा, अगला आएगा एफ ऑफ ए प्लस 2h, तो एफ ऑफ 0 प्लस 2h यानी कि एफ ऑफ 2h, यानी कि देखो ये हो गया साइन 2h, है ना। इसी प्रकार देखो एफ ऑफ ए प्लस 3h, तो f ऑफ 0 प्लस 3h यानी कि f ऑफ 3h, देखो ये हो गया sin ऑफ 3h, एक ही वैल्यू यहां पर हम 0 लेकर के चल रहे हैं, ध्यान दो, है ना। इसी प्रकार देखो f ऑफ a प्लस n माइनस 1 into h, तो f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 into h, तो देखो इसको हम कह सकते हैं f ऑफ n माइनस 1 into h, तो साइन ऑफ एन माइनस वन इंटू एच, ध्यान दो, है ना। अब देखो सारे के सारे वैल्यूज जो हैं वो उस फार्मूले में रखो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच ब्रैकेट में एफ ऑफ ए, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर एफ ऑफ ए प्लस टू एच, और एफ ऑफ ए प्लस 3h, and so on, sin of n minus 1 into h। देखो यहाँ पर ये ऐसा हो गया, है ना? तो फॉर्मूले को हमने यूज किया, देखो यहाँ पर, अच्छा nh इक्वल टू क्या होगा, nh इक्वल टू होता है b माइनस a, तो देखो ये π/2 बचेगा, है ना, n into h की वैल्यू क्या मिलेगी, π/2, तो h tending to 0, ठीक है, h ब्रैकेट में f of a, f of a plus h, f of a plus 2h, f of a plus n minus 1 into h, ध्यान। तो अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे ये साइन की सीरीज है, देखो होता क्या है, साइन की सीरीज का एक फार्मूला होता है, देखो फार्मूला क्या होता है कि साइन अल्फा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एंड सो ऑन, साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, मतलब जो हमारे एंगल हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, पहला एंगल अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस टू बीटा, अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, तो देखो इन सब का सम क्या होता है, ये होता है साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू, है ना, और देखो ये होता है साइन ब्रैकेट में फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू, है ना। तो साइन की सीरीज को ऐड करने का ये फार्मूला याद रखो, अगर उसके एंगल एपी में होंगे तब, तो कुछ जैसे अल्फा, अल्फा प्लस बीटा से लेकर अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, अगर उसके एंगल एपी में होंगे तो उसको देखो ऐड करने का ये फार्मूला यहाँ पर हमें याद रखना है, साइन की सीरीज का फार्मूला। इसी प्रकार देखो कॉस की सीरीज का भी फार्मूला होता है, कॉस अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा से लेकर के कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू बीटा, देखो इसका भी फार्मूला बाहर यही टर्म होता है, साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू, और यहाँ देखो कॉस आएगा क्या होगा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू, ध्यान दो ऐसे, है ना, बाहर दोनों में ये सेम टर्म ही रहता है, साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन एन बीटा, क्या है बीटा, देखो ये सीरीज का कॉमन डिफरेंस है, देखो जैसे ये एपी है ना, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस टू बीटा, तो बीटा इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस हम कह सकते हैं,
तो देखो यहाँ पर हमें ये साइन वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ध्यान दो साइन का। देखो ध्यान दो क्या होगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ इस बच्चे के क्वेश्चन को, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान दो, इस फार्मूले का हमें सम करना है। देखो ये हो जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और देखो साइन की सीरीज का सम करो है? देखो क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन, देखो यहां से यहां तक 1 2 3 से लेकर देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n माइनस। देखो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हम इसको भी शामिल कर लें तो नंबर ऑफ टर्म्स n हो जाएंगे, जैसे इसको हम साइन जीरो लिख लें तब भी सही है। तो अब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स देखो n हो गए, तो उससे क्या फायदा होगा कि जहां जहां n है वहां वहां n ही रखना पड़ेगा। अगर हम इसको शामिल नहीं करते तो नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस वन होते। हमने इसको शामिल कर लिया, शामिल कर लिया तो ये पहला एंगल, ये लास्ट वाला एंगल, और नंबर ऑफ टर्म देखो n ही हो गए। देखो क्या हुआ, साइन n बीटा, बीटा क्या है देखो h बाई टू डिवाइड बाई साइन h बाई टू है, और इनटू साइन ब्रैकेट में पहला एंगल जीरो प्लस लास्ट एंगल होल बाई टू। देखो ये यहाँ आ गया, साइन n बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू। बीटा क्या है, बीटा देखो यहाँ पर h है, बीटा क्या है बोलो h, ठीक है। तो साइन n इंटू एच बाई टू अपॉन साइन h बाई टू, साइन ब्रैकेट में फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई टू। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसमें जरा ध्यान दें, देखो ये साइन एच टेंडिंग टू जीरो, अच्छा एच का टर्म बाहर रह गया, हाँ ये एच बाहर रह गया, ये एच एक्स्ट्रा बाहर आने वाला, देखो ध्यान दो ये एच बाहर आएगा, ठीक है। देखो ध्यान दो बच्चों क्या होगा यहाँ पर, देखो जैसे है ना, हमने फार्मूला लगाया, अब देखो यहाँ थोड़ा सा हमें लिमिट का यूज करना पड़ेगा है ना, इस क्वेश्चन में देखो हमें थोड़ा सा लिमिट का यूज करना पड़ेगा, और देखो जहां जहां n आ रहा है n को हटाना होगा। देखो जैसे यहां से n की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई बाई टू एच, तो देखो ये n की वैल्यू यहाँ पर पाई बाई टू एच हम लोग रखेंगे। देखो साइन एच बाई टू है ना, तो पाई बाई टू एच, और देखो नीचे साइन एच बाई टू, और यहां पर देखो साइन एच, एन क्या है पाई बाई टू एच माइनस वन बाई टू, ठीक है। देखो ऐसे है ना, अब देखो यहां पर जैसे ध्यान दो कि ये h से h कैंसिल हो जाएगा है ना, और यहां पर भी देखो अगर हम h को अंदर भेज दें, देखो ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक काम करो, देखो ये जो h है इसको अपॉन में h लिख लो, इसको लिख सकते हैं अपॉन में h है ना, इससे क्या फायदा होगा कि अपॉन 2 इंटू 2 करने से देखो ये 1 हो जाएगा। लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा है ना, लिमिट का कॉन्सेप्ट कितना होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखो क्या बचेगा यहाँ पर, ये तो बचेगा साइन पाई बाई 4 है ना, देखो ये साइन पाई बाई 4 बचा, और ये देखो 2 यहाँ बचा, तो ये 2 ऊपर जाके इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा यहाँ पर बोलो, ठीक है, ये n इंटू एच बराबर बी माइनस ए, तो n की वैल्यू पाई बाई टू एच देखो हमने यहाँ पर रखी, तो n की वैल्यू क्या रखी देखो हमने यहाँ पर पाई बाई टू एच है ना, ऐसा था ठीक है। और देखो यहाँ से ये साइन पाई बाई फोर बच गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, देखो ये टर्म पाई बाई टू माइनस एच बाई टू, देखो ये टर्म हो गया हमारा साइन, देखो एच को अंदर ले गए तो पाई बाई टू माइनस एच बाई टू,
अब अगर हम h को रख देते हैं जीरो, क्योंकि देखो h को जीरो रखना है, तो ये फिर साइन पाई बाई फोर बन जाएगा। तो देखो इनटू ये हो गया साइन पाई बाई फोर, ध्यान है ना, क्योंकि देखो अगर हम h को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये पाई बाई टू माइनस एच बाई टू, और h को रखेंगे जीरो, तो h को रखेंगे जीरो तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये साइन पाई बाई फोर बचेगा, ठीक है। और देखो नीचे वाला टू ऊपर चला गया। अब देखो अगर हम साइन पाई बाई फोर की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, वन बाई रूट टू इंटू वन बाई रूट टू, तो फाइनली आंसर वन आएगा, है ना। इसको h को नीचे ला करके इसको फार्मूला बना दिया साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेन इंटू जीरो वाला, तो ये वन हो जाएगा। और यहां से देखो h को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो जब h को अंदर मल्टीप्लाई किया तो पाई बाई टू माइनस एच बाई टू, और देखो यहां से ये साइन पाई बाई फोर बचेगा, तो यहाँ देखो साइन पाई बाई फोर आ गया, क्योंकि तो h को जीरो भी पुट करना है, तो जैसे ही h को जीरो पुट करोगे ये साइन पाई बाई फोर बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें आंसर वन आ गया। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इंटीग्रेट करें तो देखो हमको मालूम है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स जीरो से पाई बाई टू। अब x की जगह पढ़ने देखो कि पाई बाई टू तो जीरो, फिर वन तो वन, तो आंसर देखो यहाँ से भी वन ही आएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं तो भी आंसर वन है, और अगर इस फॉर्मूले से करते हैं तब भी आंसर वन है। तो ध्यान रखना जब भी साइन कॉस के क्वेश्चन तुम्हें दिखाई देंगे तो इन फार्मूले की जरूरत तुम्हें हमेशा पड़ेगी ही पड़ेगी इस सवालों में, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले मैंने आपको फंक्शन में बताए थे ये फार्मूले, और फिर यहाँ पर इनकी जरूरत पड़ेगी, इनके बिना ये सवाल नहीं निकलेंगे, ध्यान दो। इसको लिखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी।